जांजगीर के टीसीएल कॉलेज के प्लास्टर गिरने से एलएलबी का छात्र हुआ घायल। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जाना हाल चाल। जांजगीर के टीसीएल शासकीय महाविद्यालय की छत का प्लास्टर गिरने का मामला सामने आया है। घटना में एलएलबी का छात्र सूरज चंद्र घायल हुआ है और उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना उस वक्त हुई है जब एलएलबी चौथा सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। कॉलेज का भवन जर्जर हो चुका है, जहां पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। घायल छात्र का हाल चाल जानने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंचे थे और कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग स्वीकृत नहीं होने पर शासन प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल आज एलएलबी चौथा सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी और छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे थे। इसी दौरान छत का प्लास्टर गिर गया और शक्ति जिले के मालखरौदा क्षेत्र के अंडा गांव निवासी एलएलबी के छात्र सूरज चंद्रा को चोट आई है। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल घायल छात्र से मिलने जिला अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से घायल छात्र की बेहतर इलाज के निर्देश दिए। तो हाँ, पेपर दो आ रही है ना, तो उस हमला फोन करी से कैसे इसने छत गिर गई सटे कुशीर में मोर फट गए बने जिला अस्पताल आई से करके, तो मैं आए हूँ उसकी जाना था मैं समझ में मैंने फोर्थ सेमेस्टर में पेपर नहीं सकर पहली ले ठीक है समझ में फिलहाल जो है ना पहली ले ठीक है सिर ले लगे समझ में। देखिए, इन दिनों महाविद्यालय में लॉ की सेमेस्टर परीक्षा संचालित हो रही है और आज जैसा कि खबर मिला कि 11 से 2 की पाली में जो पेपर हो रहा है उसमें एक जो छात्र पेपर दिला रहे उनके ऊपर में छत टूट के गिर गया और जो गंभीर चोटें आई हैं उनका सिर फट गया है। करीब 5 से 6 उन्हें टाके लगे हुए हैं और बार बार वो बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे क्योंकि महाविद्यालय की बिल्डिंग जो है पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। कई बार महाविद्यालय प्रशासन को इस तरह सूचना दिया जा चुका है, महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा शासन को भी सूचित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी पहल इस तौर नहीं की गई है। इसके पूर्व में भी हमने देखा है, हमारे बगल में जो भाई खड़े हैं इनके सामने भी यही घटना हुई थी, इनके पीठ में भी कॉलेज का जो छत है वो टूट गिर गया था और न जाने कितने छात्रों के साथ ऐसी घटना होती रही है। हमने इसी मांग को लेकर किसी छात्रों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो लगातार महाविद्यालय को चेताया है, परंतु जो एक लापरवाही जो उनके द्वारा किया जा रहा है इसमें कोई बड़ा घटना वो चाहते हैं कि महाविद्यालय में घटित हो और हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र महाविद्यालय इस ओर कोई निर्णय ले, अन्यथा हम छात्र उग्र प्रदर्शन के लिए बड़े से बड़े जो भी आंदोलन करना पड़ेगा उसके लिए बाध्य होंगे। निश्चित रूप से शासकीय महाविद्यालय जांजगीर में आज सूरज चंद्रा जो हमारे मालखरौदा क्षेत्र का है, आज वो TCL गवर्नमेंट कॉलेज जांजगीर में परीक्षा देने के लिए बैठा था दोपहर 12 बजे के करीब और मैं उनको देखने के लिए जिला चिकित्सालय में अभी उपस्थित हूँ। मुझे जानकारी मिली तो मैं तत्काल आया और सूरज ने और उनके पिताजी ने दोनों ने बताया कि हम परीक्षा दे रहे थे, बच्चा परीक्षा दे रहा था और नीचे से कॉलेज का जो छत है वो अचानक गिरा और उनके सिर पर गिरा और सिर के पीछे भाग में उनको गहरी चोट आई है। मैंने डॉक्टरों से भी बातचीत किया है ताकि उनका पूरा उचित इलाज हो, समुचित इलाज हो, इलाज में किसी प्रकार की कमी ना हो, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। और हमने कहा है कि अगर बाहर इलाज की आवश्यकता होगी तो वो बाहर भी हम भेजने की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन ये घटना जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शासन और प्रशासन के लिए अलार्म है, चेतावनी है। लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि TCL गवर्नमेंट कॉलेज का नया बिल्डिंग बनाया जाए। वो बिल्डिंग बहुत पुराना है, जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य ये है न शासन ध्यान दे रही है न प्रशासन के लोग ध्यान दे रहे हैं। जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाती तब तक उसका उचित मरम्मत हो जाए, रिनोवेशन हो जाए, लेकिन उस पर भी शासन और प्रशासन दोनों मौन है। और ईश्वर ने बचा लिया कि बड़ी घटना दुर्घटना नहीं हुई। पूरे हाल में परीक्षा देने के लिए लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे,
और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन को तत्काल कदम उठाना चाहिए। उस भवन का नवीनीकरण कराना चाहिए, नए भवन के लिए सेंशन करना चाहिए, और नहीं जब तक नया भवन सेंशन नहीं होता है तब तक उस पुराने भवन को उसकी उचित मरम्मत कराए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।